हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आप लोग सोच रहे होंगे गाइस यहां पर हम इन ट्रक और जेसीबी को लेके क्यों घूम रहे हैं। तो गाइस आज होने वाला है एक भयंकर महामुकाबला जेसीबी और ट्रक के बीच। मैंने खड़ा कर दो बस। गाइस यहां पर है बाबा, आपका और हमारा प्यारा बाबा, जो कि है गाइस बड़े साइज वाला ट्रक। और यहां पर है गाइस एक जानदार खतरनाक पावरफुल जेसीबी। गाइस क्या आपके दिमाग में कभी आया है कि अगर इन दोनों बड़ी मशीनों को एक दूसरे से टो कर दिया जाए, एक दूसरे को खींचा जाए, तो कौन सी जो मशीन है वो जीतेगी? क्योंकि गाइस दोनों के अंदर है बहुत सारा पावर, दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। ये जो है कहीं भी घुस जाता है, किसी भी चीज को तोड़ फोड़ देता है, लेकिन जो ट्रक है वो बहुत सारा लोड लेकर के चल सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में यही टक्कर होने वाली है, जेसीबी और ट्रक का महामुकाबला होने वाला है। आप सब लोग इस वीडियो के लिए लाइक का जो बटन है गाइस वो जरूर से दबा देना। फटाफट से शुरू करते हैं महामुकाबला। बता जो एकदम पास करवा दो। तो गाइस इस मोटे और मजबूत रस्से का हम लोग यूज करेंगे इन दोनों की टक्कर के लिए। और एक्चुअली में मुझे लगता है कि अगर एक रस्से से बांधेंगे ना तो मुझे नहीं लगता काम होने वाला है, क्योंकि भाई दोनों में बहुत ज्यादा पावर है। तो इनको बांधते और मैं आपको बताता हूँ इनकी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों जो जेसीबी होता है इसके अंदर एक 4 सिलेंडर का इंजन होता है, लेकिन आपको पता है जो जेसीबी है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। बेसिकली इसका जो इंजन है उसके अंदर उतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है, लेकिन इसका जो हाइड्रोलिक का जो सिस्टम है जो कि फ्लूइड्स पे काम करता है उसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है। यानी कि चीज़ को धीरे धीरे लिफ्ट करता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ में। इसमें बहुत सारे प्रेशर के जैक्स होते हैं जो कि पिस्टन सिलेंडर की तरह होते हैं, और पिस्टन और सिलेंडर का जो कॉम्बिनेशन है वो सारा काम करता है आगे और पीछे के हिस्से को उठाने या रखने में। और इसके अंदर अगर वजन की बात करें तो लगभग 7 टन वजन इसके अंदर होता है। वहीं गाइस अगर बात करें हमारे बाबा की, तो गाइस इसका जो साइज है वो आई थिंक जेसीबी से तो बड़ा होता है, अगर उसको खोल ले तो उससे छोटा हो जाएगा, लेकिन दिखने में गाइस दिखने में ये जो है बहुत ही विशालकाय दिखता है। और इसके अंदर एक 6 सिलेंडर इंजन होता है, जेसीबी में 4 सिलेंडर है, इसमें 6 सिलेंडर है। तो दोनों का जो पलड़ा है गाइस वो बराबर सा ही है। इसके पास इसकी एडवांटेजेस हैं, उसके पास उसकी एडवांटेजेस है। तो गाइस अब ज्यादा बातों में टाइम ना खराब करते हो, फटाफट से बांधते हैं और लड़ाते हैं। तो भाई फाइनली जो दोनों व्हीकल्स हैं वो बन चुके हैं आपस में, और महामुकाबला जो है अब उसका समय आ चुका है। यहां पर हमने एक की जगह गाइस इसको डबल कर दिया है, रस्से को उधर पे ट्रक में बांध दिया है उसके एक्सेल में, और इधर पे जेसीबी में। यहां पर इसका ये जो सूंड है जिसको लोकल में यही बोलते हैं गाइस, ये जो इसका बकेट वाला सिस्टम है पीछे वाला, इसमें बांध दिया। तो अब जो है दोनों मशीन को शुरू करते, देखते हैं कौन जीतता है। चलो 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 करो, उसकी तो गाड़ी पहले स्टार्ट है, मैं अपनी करता हूँ स्टार्ट। गाइस अब बनाते हैं लाइन उनकी। चले तो गाइस जेसीबी स्टार्ट करते हैं, ट्रक तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुका है, और अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो रस्सा लूज है, ओए गिर मत जाना कोई सा। चलो ओए हॉर्न बजाइयो 3 बार, देखते हैं गाइस कौन जीतता है, जेसीबी वर्सेस ट्रक। चलो गाइस जेसीबी को जिताने की पूरी कोशिश करूंगा। चला जीतेगा।
भाई ओ भाई ओ भाई, अरे जैसे भी सीधा हो गया भाई। निकाल लेता हूँ गाड़ी को, उसका तो ट्रक फंस ही गया, मैं खींच दूंगा उसको। भाई दोनों इतने पावरफुल हैं कि दोनों फंस चुके हैं भाई, एक दूसरे की वजह से दोनों फंस गए हैं। अरे क्या हुआ? अरे यार दोनों ही फंस गए, ये तो भयंकर। और गाइस यहाँ पर जो रस्सा है वो टूट गया भाई साहब, यहाँ पर जो है, अरे यार मतलब कि देखो एक बार जेसीबी ने यहाँ पे गड्ढा खोद दिया पूरा, और उधर पे ट्रक ने खोद दिया। लेकिन भाई मैंने पता उसको थोड़ी सी जगह दे दी, मैंने ट्रक को थोड़ी जगह दे दी कि एक बार मैं थोड़ा पीछे होता हूँ ताकि ये निकल पाए, और इतने में पता नहीं फिर कैसे रस्सा टूट गया। तो कुल मिलाकर के खतरनाक टक्कर आपस में हुई और दोनों फंस जाते हैं, क्योंकि दोनों में इतना ज्यादा वेट है कि दोनों फंस ही जाते हैं भाई। चलो दोबारा बांधते हैं, दोबारा खींचते हैं क्या? अरे जैसे भी तो खींच लिया था यार ऊपर, अरे वो टायर फंस गया उसके उसमें। मुझे नहीं लगता गाइस ट्रक में से और जेसीबी से कोई जीतेगा, दोनों बराबर रहेंगे। तो गाइस आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस रेस में। बोलो दो तीन, इस बार नहीं जाने दूंगा भाई, इस बार नहीं जाने दूंगा उसको तेरी। अरे यार ये तो आ गया 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 आ गया। ओ भाई पूरी जान लगा दी मैंने, पूरी जान लगा दी मशीन की, उछल उछल के चल रही है मेरी मशीन यार। ओ भाई यार दोनों व्हीकल फंस जाते हैं। अरे यार थी। जैसे भी ऐसे ऐसे कर रहा था। अरे भाई, ओ भाई, ओ भाई यार क्या खतरनाक टक्कर थी। यार गाइस भाई इन दोनों के बराबर की टक्कर थी, एक बार इधर आओ। अरे यार बाद में बात करेंगे क्या हुआ, पहले ये देखो, पहले देखो क्या हुआ गाइस। ये गड्ढे तो खोदे हैं जेसीबी ने, और ये जो गड्ढे हैं ये खोदे हैं ट्रक ने। भाई मैं जैसे भी बैठा, जैसे भी ऐसे ऐसे उछल रहा था आगे से यार क्योंकि दोनों में इतनी ज्यादा पावर है। कहाँ आग लग रही थी? इंजन के नीचे। ओ तेरी भाई, दोनों की इतनी ज्यादा मतलब हालत खराब हुई दोनों की कि एक दूसरे को कोई भी नहीं खींच पा रहे हैं काफी देर तक। लेकिन फिर जो है मैंने आगे पीछे किया, मैंने इससे भी जिसका पीछे का बकेट होता है इससे भी दबाने की कोशिश करी, लेकिन प्रॉपरली सब टाइम पे नहीं बैठ पाता क्योंकि आगे भी है पीछे भी है।
जैसे मैं थोड़ा सा पीछे लूँ ये खींच लेता था, लेकिन गाइज लास्ट में जो जीत है वो सच्चाई की होती है गाइज। मतलब जेसीबी की होती है गाइस। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसा महा मुकाबला कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा। भाई ट्रक और जेसीबी दोनों चीजों का जो रिस्क है ना वो कोई भी नहीं लेता है एक्चुअली में गाइस, लेकिन हम लेते हैं ताकि आपको कुछ मजेदार जबरदस्त वाली चीज दिखा सके, और आज का महा मुकाबला ऐसा ही था। तो अब सब लोगों से गाइस मैं मांगता हूँ लाइक का जो बटन है उसको दबाने की रिक्वेस्ट। गाइस सब लोग लाइक का बटन जो है जरूर से दबा देना प्लीज। मैंने अब तक नहीं बोला गाइस, अब बोल रहा हूँ लाइक का बटन दबा देना सब लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ट्रक है उसकी क्लच प्लेट भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा राउंड इसने जो है काटे हैं, बहुत सारा इसमें फंसा भी है। इनका इंजन में इतना ज़्यादा पावर होता है कि क्लच प्लेट पर अगर ज़रा सा भी जोर पड़ता है बिना बात वाला बार बार राउंड ऐसे काटता है तो वो ख़राब हो ही जाती है। तो शायद इसमें जो है काफ़ी मेंटेनेंस भी कराना पड़ेगा। जेसीबी जो है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो आज के लिए इतना ही, लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।